नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्र ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, ऑफर लेटर के लिए ईमेल कैसे भेजें। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के कुछ देर बाद ही एचआर ने आपको बता दिया है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर उन केसेस में होता है जब कंपनी को बेहद अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है और कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग भी जल्दी करानी होती है। अब दोस्तों, एचआर ने आपसे बोला कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपको आपका ऑफर लेटर वीकेंड तक भेज दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीकेंड खत्म हो जाता है और आपको आपका ऑफर लेटर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपके साथ समस्या ये है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन भी करना चाहते हैं क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है, शायद आपकी ड्रीम कंपनी है, और दूसरी तरफ बिना ऑफर लेटर मिले आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, इस केस में आप क्या करेंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये पूरा वीडियो और सीखते हैं कि इस केस में आप कंपनी को ईमेल कैसे लिखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपका जीमेल में अकाउंट है तो आपको जीमेल पे जाना है, लॉगिन करना है, अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड एंटर करना है और अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन करेंगे, आपके सामने आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप लेफ्ट में टॉप पे कंपोज नाम का एक ऑप्शन देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, ये कंपोज नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है जब आपको एक फ्रेश मेल भेजनी होती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस कंपोज मेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको इमेज दिख रही है, ऐसा आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगा जहां पे आपके सामने टू सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट नाम के ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि एक ईमेल भेजने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहां से आप एक नया मेल, फ्रेश मेल बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अब फाइनली आपके सामने दो ईमेल आईडी हैं जो कि उस कंपनी की हैं। पहली आईडी एचआर की है और दूसरी डायरेक्टर की है। अब इन दोनों आईडीज को यूज करते हुए आपको मेल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप ईमेल भेजते समय में टू में एचआर को रखेंगे, जैसा कि एचआर की ईमेल आईडी आप देख सकते हैं hr@xyz.com, और सीसी में आप mahesh@xyz.com को रखेंगे। यानी आपने टू में तो एचआर को रखा है और सीसी में आपने डायरेक्टर को रखा है। दोस्तों, यहाँ पे आपने सीसी में डायरेक्टर को इसलिए रखा है क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर आप ये मेल भेजें तो ये मेल कंपनी के डायरेक्टर के पास में भी पहुँचे और साथ में एचआर के पास में भी पहुँचे कि आप अपना ऑफर लेटर चाहते हैं। दोस्तों, टू में एचआर को रखने के बाद और सीसी में डायरेक्टर को रखने के बाद आप फाइनली सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर द ऑफर लेटर फॉर पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मतलब यहां पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऑफर लेटर के लिए। पोजीशन क्या है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था और उसके लिए आप अपना ऑफर लेटर मांग रहे हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है, कभी भी सब्जेक्ट मेंशन करना मत भूलें, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बिना सब्जेक्ट का ईमेल जो होता है कई बार स्पैम फोल्डर में चला जाता है, और स्पैम फोल्डर में अगर आपका ईमेल जा रहा है तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एचआर स्पैम फोल्डर चेक नहीं करते, तो आपका ईमेल मिस हो सकता है। तो कभी भी इस तरीके की गलती ना करें। दोस्तों, यहां पे आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डियर सर ऑब्लिक मैम। हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई आइडिया नहीं होता कि जिस एचआर को हम लिख रहे हैं वो एचआर एक मेल है या फीमेल। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि आपका जो एचआर है वो मेल है तो दोस्तों आप सर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको पता है कि एचआर फीमेल है तो आप मैम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इसमें लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स। दोस्तों, ग्रीटिंग्स एक तरीके का सैल्यूटेशन है, और कभी भी आप एक फॉर्मल मेल भेजें तो आप सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करें। ये आपके मेल में एक इम्प्रेशन अच्छा डालता है कि आपको ईमेल लिखने के बेसिक एटिकेट्स पता है और ये ही सलीका सही सलीका है। दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं फाइनल ईमेल की। हमने टू में एचआर को रख दिया, हमने सीसी में डायरेक्टर को रख दिया, हमने सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिया रिक्वेस्ट फॉर द ऑफर लेटर फॉर पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हमने डियर सर ऑब्लिक मैम से शुरुआत भी कर दी, हमने ग्रीटिंग्स भी लिख दिए। अब जो आगे का कंटेंट है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। माय नेम इज देवर्षि मिश्रा, आई हैड अपीयर्ड इन द इंटरव्यू कंडक्टेड इन योर कंपनी ऑन 15/4/2019
फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मेरा नाम देवर्षि मिश्रा है और मैं आपकी कंपनी में एक इंटरव्यू में अपियर हुआ था 15/4/2019 को। किस प्रोफाइल के लिए? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के लिए। एज पर द डिस्कशन आफ्टर द कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू यू इन्फॉर्म मी दैट आई एम गोइंग टू रिसीव एन ऑफर लेटर बाई वीकेंड। दोस्तों यहाँ पे ये लिखा गया है कि इंटरव्यू के कंडक्शन के बाद में, मतलब इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद फाइनली मेरा आपसे डिस्कशन हुआ जहां पे आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपको आपका ऑफर लेटर वीकेंड में मिल जाएगा या वीकेंड तक मिल जाएगा। बट आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू टू असिस्ट मी टू हैव माई ऑफर लेटर और इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज लेट मी नो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मदद करें मेरा ऑफर लेटर रिसीव करने में। और इसके अलावा अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बताएं। आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विथ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव दैट आई वुड बी अ बेटर फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने में इच्छुक हूं और विश्वास करता हूं कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक बेटर फिट हूं, मतलब एक बेटर एम्प्लॉई हूं, बेटर ऑप्शन हूं। Your consideration in this regard would be appreciated। यहाँ कहने का मतलब ये कि जो मैंने आपको लिखा हुआ है अगर इसको लेके आप पहल करते हैं, एक्शन लेते हैं तो ये बहुत ही प्रशंसनीय होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हैं और लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट में आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे मैंने मेंशन किया हुआ देवर्षि मिश्रा। इसके नीचे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना हरगिज ना भूलें। उसके बाद फाइनली आपको सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये ईमेल एचआर को चला जाएगा। दोस्तों अंत में मैं कहना चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करिएगा जिनको ये ईमेल लिखना नहीं आता है और जो शायद इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।